एलर्ट सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति न्यूज़ मेकर्स अवार्ड 2024 का आयोजन वृंदावन के निधिवन सरोवर पोटिको में 24 अक्टूबर 2024 को बड़े ही धूमधाम से किया गया। सोसाइटी द्वारा आयोजित इस चौथे आयोजन का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करके दूसरे लोगों को यह संदेश देना है कि वो भी अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर एक कीर्तिमान स्थापित करें। न्यूज़ मेकर्स अवार्ड 24 के आयोजन का शुभारंभ मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, MVDA के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह और संस्था के अध्यक्ष नीरज सिंह ने बांके बिहारी जी के चित्रपट पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा, न्यूज मेकर्स अवार्ड में उपस्थित परम आदरणीय यशस्वी साहब, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय नीरज जी, रिफाइनरी से हमारे अधिकारी हजारिका जी, उनके सहयोगी जीत जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ नगर के उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, आज यहाँ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित साथियों, हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नीरज जी को और इनकी संस्था को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने बेहतर काम किया है उनको आज यहाँ आप सम्मानित कर रहे हैं। मुझे अपने शुरुआती दौर के, जब नौकरी में आया था शुरुआती दौर के, एक मित्र का हमेशा एक किस्सा याद रहता है, हंसी भी आती उसको सुन करके, जो कहता था कि सिस्टम को बर्बाद करने में 10% लोगों का योगदान है, बाकी लोग ठीक हैं, और 10% वो लोग हैं जो बड़े नेक हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं और जो सही निर्णय लेते हैं, वही 10% लोग ही सारी समस्या की जड़ में है, क्योंकि अगर वो भी जब खत्म हो जाएंगे तो अपने आप क्रांति आएगी और सिस्टम बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, भी समस्या की जड़ उन 10% लोगों को है। लेकिन मुझे लगता है कि वही 10%, 20%, 30% जो भी है सोसाइटी में, वही वो लोग हैं जिसके कारण सिस्टम चल रहा है। और जब हम अच्छाई को समाहित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति को नहीं समाहित करते हैं, बल्कि उस हैबिट्स को हम समाहित करते हैं कि अच्छे लोग, हमारी संस्कृति रही है, हमारा इतिहास रहा है कि हमेशा हम अच्छे लोगों को समाहित करते रहे हैं, और जो समाज में, समाज के लिए बाधक तत्व तो है, जो विकास में बाधक है, उनको हम सम्मान या उचित स्थान नहीं देते रहे हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले दशहरा हम सब लोगों ने मनाया, दशहरा क्या था, यही तो था राम और रावण का युद्ध, दशानन और दशरथ का युद्ध। हम सबके अंदर जो दशानन होता है, जो दसों इंद्रियों को एंजॉय करना चाहता है, और दशरथ जो दसों इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, हम सबके अंदर उसका द्वंद हमेशा चलता रहता है। और जब दशरथ को सम्मानित किया जाता है, भगवान राम को सम्मानित किया जाता है, तो भगवान राम का सम्मान नहीं है, समाज के उस हर व्यक्ति का सम्मान होता है जो बुराई पर अच्छाई के लिए लड़ रहा होता है। तो आपने यहाँ हो सकता है 5 लोगों को सम्मानित किया, हो सकता है 10 लोगों को सम्मानित किया, लेकिन ये मैसेज यहाँ के 25 लाख लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोगों की कदर नहीं है, ये अच्छे लोगों को सम्मानित। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे शैलेश कुमार पांडे ने भी न्यूज़ मेकर्स अवार्ड के आयोजक संस्था के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की कि ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए जिन लोगों ने लीग से हटकर, अपने कंफर्ट जोन से हटकर समाज को कुछ देने के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, उन सबके कार्य को रिकॉग्नाइज करने का एक प्लेटफॉर्म इस सोसाइटी ने आज क्रिएट किया है, और उसी के तहत आज हम सभी यहां उपस्थित हैं। मैं वही देख रहा हूं कि प्रत्येक फील्ड को चुना गया है, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो,
समाज सेवा के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने भी संस्था और इसके सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना करते हुए कहा, बहुत ही एक सुखद अनुभव रहा और ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम था लोगों के लिए। यहाँ पे समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं जिनको पुरस्कृत किया गया और इससे आगे भी लोग प्रेरणा करेंगे और समाज हित में राष्ट्र हित में अच्छा काम करेंगे। न्यूज मेकर्स अवार्ड 24 सम्मान पाने वाले लोगों में नगर मजिस्ट्रेट मथुरा राकेश कुमार, लुधियाना से श्रीमती मनप्रीत कौर, मित्र वृंदावन ग्रुप के MD धनंजय सिंह, कथा प्रवक्ता रमाकांत गोस्वामी, दिल्ली के व्यवसायी TR मित्तल, मथुरा रिफाइनरी के HR हेड भास्कर हजारिका और CSR हेड सुजीत कुमार गुप्ता, लोढ़ा ग्रुप के जगवीर सिंह, पुष्पांजलि ग्रुप के चेयरमैन VD अग्रवाल, कला के क्षेत्र में वंदना श्री आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वहीं मनप्रीत कौर जी जो न्यूज मेकर अवार्ड में शिरकत की उन्होंने और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने डोमिनेट होके यह प्रोग्राम को देखा, आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा। मैडम, किस तरीके का अनुभव रहा आज आपका यहाँ इस जो अवार्ड का जो प्रोग्राम हुआ है उसमें? बहुत अच्छा, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अवार्ड में आई हूँ, फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा और सबका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, थैंक यू सो मच। LR सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इस आयोजित इस कार्यक्रम में वंदना श्री के सांस्कृतिक टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से फूलों की होली और मयूर नृत्य ने आगंतुक अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप बैनर्जी और धन्यवाद प्रस्ताव संस्था अध्यक्ष नीरज सिंह ने किया। हमारे साथ हैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय नीरज जी, और नीरज जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम के लिए जो किया है उन्होंने उसके पीछे क्या उद्देश्य है। नीरज जी, आपने आज जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा लगा, आप इसके जो प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस कार्यक्रम का बड़ा ही क्लियर कट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि हर लाइफ के हर फील्ड में, चाहे किसी भी विधा का कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो हम एक ऐसा मंच प्रोवाइड करते हैं जिस मंच के माध्यम से उस आदमी की एक रिकॉग्निशन मिले उसको, है ना, और उसको एक समाज के दूसरे लोगों को एक मैसेज जाए कि साहब इस आदमी ने एक ये काम किया है तो हमको भी उस टाइप से कुछ अच्छा काम करना चाहिए। हाँ नीरज जी, ये जो प्रोग्राम आपने किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और लगभग कितने वर्षों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? योगेश जी, ये कार्यक्रम मैं 2019 से कर रहा हूँ और इसकी प्रेरणा मेरे बड़े भाई साहब हैं, चचेरे बड़े भाई, कजिन है मेरे जो IAS सीनियर मोस्ट IAS हैं UP सरकार में, और वो मंडला आयुक्त अलीगढ़ थे, डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई अलीगढ़ में कि नीरज जी एक ऐसा मंच तैयार होना चाहिए, और उन्होंने, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई साहब का कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जोड़ा और कहा कि आप हर फील्ड के लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म से, है ना, अभी हम वृंदावन महोत्सव करके एक आयोजन कर रहे हैं जनवरी में जी, उसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दो जो हैं उसमें से जो अवेलेबल हो जाए, केंद्र के कुछ मंत्री हैं, उन लोगों को लेके हम ब्रज की विलुप्त होती कलाओं को पोर्ट्रे करेंगे कि भाई इनको संरक्षण और इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक, अध्यक्ष और ऑर्गेनाइजर नीरज जी। वृंदावन से नए TV के लिए मैं योगेश शर्मा।